बेबाक बात के प्रायोजक हैं दास हुंडई मेरठ। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फर्स्ट में। मैं हूं आनंद प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं बेबाक बात। आज हमारे साथ बेबाक बात में बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष श्री राम मेहर सिंह जी। आइए उनका सबसे पहले स्वागत करते हैं। राम मेहर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी राम मेहर जी, आपसे पहली सवाल, 2017 का चुनाव सर पे खड़ा है, यूपी में हर पार्टी अपनी अपनी जोर आजमा रही है, राष्ट्रीय लोकदल का क्या है तैयारियां? राष्ट्रीय लोकदल भी जैसे दूसरी पार्टी जनता के बीच में अपने कामों को लेके जा रही हैं। राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता चौधरी अजीत सिंह जी, चौधरी जयंत चौधरी जी, रोज़ कहीं ना कहीं दोनों नेताओं की हमारों की मीटिंग रहती है जी। और वे चौधरी चरण सिंह की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अपने टाइम में चौधरी साहब ने जो किसानों के गाँव के लिए काम किए हैं, चौधरी साहब ने, अजीत सिंह जी ने जो काम किए हैं, जयंत चौधरी साहब ने जो पार्लियामेंट में भूमि अधिग्रहण बिल, प्राइवेट बिल पास ला के किसानों के एक बहुत बड़ा कानून उनके पक्ष में बनवाया है, इन सारी चीज़ों को लेके, और जो सरकार की विफलताएं हैं प्रदेश सरकार की और केंद्रीय सरकार की, उन्हें लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को आश्वासन देना चाहते हैं कि यदि वे हमारी सरकार बनाने का मौका देते हैं तो आने वाले चुनाव में हम किसान का, नौजवान का, मुसलमान का और गाँव गरीब लोगों के हितों में काम करने का काम करेंगे। राम मेहर जी, यूपी में एक सुगबुगाहट है कि रालोद जो है वो सपा के साथ गठबंधन कर रही है, कितनी सच्चाई है इसमें? ये सुगबुगाहट एक सपा के साथ क्यों है जी? बहुत बात चली थी कि बीजेपी के साथ हो रही है जी, सपा के साथ हो रही है, बसपा की चर्चा भी आई है, जनता दल यू के भी साथ चला के महागठबंधन बनने जा रहा, लेकिन ये सारी चर्चाएँ अखबारों और न्यूज चैनलों पर हैं, अभी किसी से कोई ऐसी बात नहीं है जो चौधरी साहब ने किसी की तरफ इस तरह की हाथ बढ़ाया। राम मेहर जी, एक सवाल थोड़ा सा लोकसभा चुनाव में कि रालोद जो है वो लोकसभा चुनाव भी लड़ी लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई, यहाँ तक कि खुद अजीत सिंह और जयंत चौधरी अपनी अपनी सीट हार गए, तो आपके विधानसभा में कैसी तैयारी है? हम हैं इस तरह से क्यों देख रहे हैं? आप देखिए, मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रह लिए जी, एक सीट उनकी भी नहीं आई जी, मतलब मायावती की नहीं, इसलिए रालोद की भी नहीं आई, सीट भी नहीं आई है, और आज आप ही दिखा रहे हैं कि वे 150 से ऊपर सीट लेने जा रही हैं जी। तो रही हमारी बात, हमारा जैसा वोटर किसी पार्टी के पास नहीं है जी। हमारी गणित के हिसाब से सीटों का अंक कम है लेकिन जितना मजबूत वोटर हमारे पास है किसी पार्टी के पास नहीं जी। राम मेहर जी, रालोद का चुनावी घोषणा पत्र क्या होगा, आप जनता के बीच में किन वादों को लेके जाएंगे? देखिए, हमारा घोषणा पत्र तो चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर है, आधारित है। चौधरी साहब ने सबके लिए काम किए हैं, गांव, गरीब, किसान, हिंदू, मुसलमान, नौजवान, शहर, उद्योग, व्यापार, सबके विकास की बात चौधरी साहब करते थे, लेकिन लोगों ने हमें सीमित कर दिया और हमें केवल देहात की पार्टी के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जबकि चौधरी साहब का नारा था कि देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलियान से होकर गुजरेगा, जब किसान खुशहाल होगा, गांव खुशहाल होंगे तो शहर भी खुशहाल होंगे, और शहर खुशहाल होंगे तब देश खुशहाल होगा। तो राष्ट्रीय सोच है हमारी पार्टी की, चौधरी साहब की राष्ट्रीय सोच थी, सबके विकास की बात करते थे, हमारा भी चौधरी साहब की पॉलिसी पे चलने का बात है और हम भी सबके विकास की बात लेके। राम मेहर जी, हर बार के चुनाव में यहाँ तक कहा जाए कि हरित प्रदेश की जो शुरुआत थी वो रालोद ने ही की थी, लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ चुनावी जुमला बन गया, जब चुनाव आता है तब इन्हें हरित प्रदेश का नाम याद आता है, चुनाव खत्म ही रालोद हरित प्रदेश के मुद्दे से भटक जाती है। देखिए, हरित प्रदेश ही हमारा इशू नहीं था जी, इसे थोड़ा सा रिफाइंड कर लीजिए जी। छोटे छोटे राज्य के पक्ष में थे चौधरी साहब जी, बड़े राज्य में संभालना पूरे इसको व्यवस्था देखना बहुत आसान नहीं है, इसलिए चौधरी साहब पूरे देश में छोटे छोटे राज्यों के पक्ष में थे, उसमें एक हरित प्रदेश भी था। तो हम चाहते हैं कि चौधरी साहब ने लखनऊ में जाके घोषणा भी की है कि उत्तर प्रदेश के एक नहीं 4 हिस्से भी और होने चाहिए, और जो छोटे छोटे राज्य के पक्षधर लोग हैं जो उनकी आवाज़ उठाते रहे हैं उनका समर्थन करने का चौधरी साहब ने काम किया चौधरी अजीत सिंह जी। बेबाक बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी राम मेहर जी से बातचीत जारी रहेगी, आप देखते रहिए न्यूज फर्स्ट। आज की खबरें, नए कल का आगाज, इनकी
बीच है ऐसा ख्याल जो बदलेगा देश का हाल। बीजेपी को क्या दुश्मन मानते हैं आप लोकतंत्र का? दुश्मन है लोकतंत्र का। भारत तय कर रहा है एक नया सफर। पूछेंगे हुक्मरानों से सवाल। तो आपके कहने का मतलब ये है कि भारत के भाग्य विधाता हैं आप? मैं ऐसी गलती नहीं करता। क्या मंदिर वही बनेगा? की समस्या का हम समाधान चाहते हैं। और हाशिए पे जानेंगे उनसे जवाब। बीजेपी चुनावी रंग में क्या दंगों का मुद्दा बना रही है? ये हमेशा कोई न कोई मुद्दा ऐसा झूठ प्रचार करते हैं क्योंकि इनके पास बहुत जबरदस्त ताकत है। देखिए बेबाक बात डॉक्टर ललित भारद्वाज के साथ सिर्फ newsfirst.tv पर। खुशी में हम, गम में हम, जोश में हम, जीत में हम, हर कदम पर आपके साथ हैं हम, क्योंकि न्यूज फर्स्ट है हम। ना हम हवाओं के खिलाफ हैं और ना हवा हमारे खिलाफ। दरअसल हम बिगड़ी हुई व्यवस्था के खिलाफ हैं। क्यों कई दिनों तक झूले रोए, क्यों कई दिनों तक चक्कियां रही उदास? अगर गलतियां औरों की थी तो फिर जुम्मन का घर क्यों जला? इसलिए हम लाना चाहते हैं इनकलाब, ताकि आप हो जाएं आबाद। ये नजरिया है देश बदलने का। आइए हमारे साथ और देखिए newsfirst.tv सबसे पहले आप तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बेबाक बात में। राम मेहर जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक हाई कोर्ट का मुद्दा ऐसा है जो कभी सुलगता है, कभी शांत हो जाता है, कभी वकील उसके लिए लड़ते हैं, कभी वो करते हैं। तो आप 2017 में चुनाव में जाते वक्त जनता से क्या कहेंगे उस मुद्दे के लिए? देखिए, इस चुनाव की बात नहीं है जी। जब पिछली सरकार में जो साहब मिनिस्टर थे जी, तो कपिल सिब्बल जी कानून मिनिस्टर थे, तो यहाँ के वकील गए, जो साहब ने उनका समर्थन किया, कपिल सिब्बल जी से उन्हें मिलवाया जी। और जो साहब चाहते हैं कि न्याय सुलभ हो जी, जितना आसानी से लाभ मिल सकता हो न्याय का उतना मिलना चाहिए। हाई कोर्ट यहाँ इलाहाबाद बहुत ज़्यादा दूर है, उससे कम लाहौर है जी। तो जयंत चौधरी इसका कभी कभी चर्चा भी करते हैं मीटिंगों में जी। तो जनता को जितना सुलभ न्याय होगा उतना जनता के हित में होगा। राष्ट्रीय लोकदल इसके पक्ष में है। अब क्योंकि स्टेट के चुनाव में 17 में, और ये इशू पार्लियामेंट का है, लेकिन पार्लियामेंट भी कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट इसके समर्थन में चिट्ठी लिखे, यदि हम सरकार हमारी बनती है, हम सरकार में जाते हैं तो हम हाई कोर्ट बेंच की बात और सरकार को मजबूर करने का काम करेंगे कि उनके पक्ष में सरकार को, केंद्रीय सरकार को, प्रदेश सरकार चिट्ठी लिखने का काम करें जी। राम मेहर जी, यूपी में किसानों की दुर्दशा ऐसी है कि सारे राज्यों में देखें तो सबसे बुरी स्थिति यही है। बुंदेलखंड में किसान भूख से मर रहा है, पूरब में वही हाल है, पश्चिम में गन्ना के भुगतानों नहीं हो रहा है, जबकि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो रालोद हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो या भाजपा हो, हर कोई अपने आप को किसानों की मसीहा बताती है, क्या वजह है? सही बात यह है कि सबसे ज़्यादा यदि प्रजातंत्र में, इस लोकतंत्र में, इस भारत में ताकत किसी के पास है तो किसान और मजदूर के पास है, क्योंकि 70% से ज़्यादा वोट इनके पास है। किसान की बात ये जरूर कहेंगे, क्योंकि किसान की बात कहे ये सत्ता में कोई आ नहीं सकता, बहकाने का काम करेंगे। रही किसानों की दुर्दशा की बात, जो आपने बुंदेलखंड का जिक्र किया है जी, वहाँ तो हम सुनते थे कि लोग किसान आत्महत्या करते थे प्राकृतिक प्रकोप से। पश्चिम पूरब में भी कभी बाढ़ आ गई तो उनकी फसल नष्ट हो गई, तो प्राकृतिक आपदा के कारण किसान कर्ज में डूब जाता था और आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश देश का सबसे खुशहाल किसानों का इलाका है जी। यहाँ प्राकृतिक आपदा के कारण किसान आत्महत्या नहीं कर रहा, उसकी जो दुर्दशा है वो प्राकृतिक आपदा के कारण नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान की जो दुर्दशा है, उत्तर प्रदेश की सरकार की गलत नीतियों के कारण है। देश में, प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पिछले सीजन से कम दाम पे गन्ना डालने के लिए किसान को मजबूर सरकार ने किया हो। जो 15-16 का सीजन था वो 280 रुपये में
गन्ना डाला गया जो 14-15 का था, और जो 15-16 का सीजन पिछला गया है इसमें 230 रुपये का रेट सरकार ने दिलाने का काम किया है, और ये वायदा किया था कि 50 रुपये क्विंटल का पेमेंट सरकार करेगी जी। लेकिन देने का नाम नहीं है। तो सरकार की गलत नीतियों के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान बदहाली के कगार पे है जी। दूसरी बात, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है चुनाव से पहले उन्होंने ये बात कही थी और वायदा किया था पूरे देश के किसानों से कि हम फसल की लागत का 1.5 गुना भुगतान कराएंगे। आज प्याज की आप हालत देख रहे हो, प्याज के आंसुओं ने कई बार सरकार बदलने का भी काम किया है। आज देश के किसानों के जो फसल के प्याज की पैदा करते हैं उन पर खेत से मंडी तक लाने के खर्चे के लायक भी दाम फसल का नहीं आ रहा। आप रही बात गन्ने की, गन्ना किसान की लाइफ लाइन है। जब चोर साहब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने उत्तर प्रदेश के 67 में, जब गन्ने का रेट 8.5 रुपये क्विंटल था, चोर साहब ने 67-68 का जो सीजन आया उसमें 17 रुपये क्विंटल देने का काम किया गन्ने का, तब किसान के चेहरे पर रौनक आने की बात हुई। एक जस्ट डबल रेट किया था, आज 280 के बजाय 230 पे किसान दे रहा है। जो रिसर्च सेंटर है गवर्नमेंट के, वे कह रहे हैं कि 252 रुपये क्विंटल की लागत है गन्ने पैदा करने पे, और 230 में उधार गन्ना किसान दे रहा। तो बदहाली की कगार पर नहीं पहुँचेगा तो क्यों नहीं पहुँचेगा जी। तो यहाँ प्राकृतिक आपदा के कारण नहीं, किसान निष्क्रिय है इसके लिए भी नहीं, बहुत बम्पर फसल किसान पैदा करता है लेकिन उसे लागत से बहुत कम दाम पर फसल बेचनी पड़ रही है, और इसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। राम मेहर जी, बीजेपी 2014 के चुनाव में आने से पहले कहती थी कि पाकिस्तान हम पे आक्रमण कर रहा है, हम एक के बदले 10 सर लेके आएंगे, लेकिन 2 सालों में गुरदासपुर, पठानकोट और अभी थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले उरी में, जिसमें उन्होंने हमारे घर में घुस के 18 सेना के जवानों को शहीद कर दिया, क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, मोदी साहब 36-56 इंच का सीना लिए घूमते फिर रहे हैं जी, चुनाव से पहले भी और चुनाव से बाद में भी जी। कि 56 इंच का सीना है मेरा, और बड़ा नारा दिया था बीजेपी के लोगों ने कि यदि 1 सीट कटेगा तो हम 20 सीट काट के लाएंगे जी। और आज हमें बड़े शर्म से ये बात कहनी पड़ रही है, देश के लिए शर्म की बात है कि देश का खुफिया तंत्र कहाँ चला गया। हमारे जवान लड़ते हुए शहीद हो जाते तो एक तसल्ली होती जी। हमारे जवान सोते हुए कत्ल कर दिए गए, जला के मार दिए गए, और देश का खुफिया तंत्र कुछ भनक तक नहीं लगी। हम मांग करते हैं कि जो हमारे रक्षा मंत्री हैं पारिकर जी, उन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हें एक परंपरा कायम रखनी चाहिए। आपको ध्यान होगा जब लाल बहादुर शास्त्री जी रेलवे मिनिस्टर थे तो एक दुर्घटना हो गई थी जी, और शास्त्री जी ने रिजाइन कर दिया कि मेरे बैठते दुर्घटना हुई है, मैं रिजाइन करूँ, इस पद के काबिल नहीं हूँ। आज पारिकर को शर्म नहीं आ रही, जो हमारे बुजुर्ग नेताओं ने परंपरा डाली थी, आज कम से कम एक बार देश से माफ़ी तो मांगे। खुफिया तंत्र क्या कर रहा था, लड़ाई होती। और पहली बात तो ये, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि दुश्मन से यदि हम दूरी बना कर रखते तो कोई दिक्कत नहीं थी जी। हम उनकी गलबैयाँ कर रहे हैं जी, उनको अपने खाने पर बुला रहे हैं, उनके यहाँ प्रोग्राम पर जा रहे हैं, उनके यहाँ साड़ी लेके जा रहे हैं जी। तो ये तो धोखा हमारे साथ पाकिस्तान पहले से करता रहा है, कोई नई बात नहीं है, और इसमें देश की सरकार की जो पॉलिसी है जी। सबसे घातक ये है, और देश का खुफिया तंत्र निष्क्रिय हो जा, सोते नौजवानों का, हमारे का, फौजियों का कत्ल कर दिया जा, इससे घिनौनी बात कोई हो नहीं सकती। शहीद तो होते हैं जवान, और देश उस पर गर्व भी करता है, लड़ते हुए शहीद हुए हैं, एक ने 10 को मारा है जी। लेकिन सोते हुए आग लगा के मार दिए गए, और खुफिया तंत्र को भनक भी नहीं, सरकार को शर्म आनी चाहिए। राम मेहर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने कीमती समय हमारे न्यूज़ फर्स्ट टीम और दर्शकों को दिए जी। तो ये थे राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष राम मेहर जी। अगले हफ्ते हम और किसी मेहमान के साथ उपस्थित रहेंगे, तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट।